वेलकम प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपको कुछ डायग्राम्स यहाँ पर दिए गए हैं, उसमें आपको एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका, देखिए आपको ये ट्रायंगल दिया गया, इसमें आपको एक एंगल 50 दिया गया, एक एंगल 60 दिया गया, आपको एक्स निकालना है। आपसे जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सभी ट्रायंगल जो आपके ट्रायंगल्स होता है ना, उनके सभी एंगल का सम होता है 180। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के रूल से। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये आपका होगा इजक्वल टू 180 डिग्री का। क्यों होगा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है आपकी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो आप देखिए एंगल ए आपका निकालना है, आपको एक्स निकालना है, एंगल बी आपका 50 है, एंगल सी आपका 60 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 का। एक्स इक्वल टू देखिए ये आपका ऐड करेंगे तो 110 आएगा, इक्वल टू 180, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस 110, तो x की वैल्यू आपके सामने क्या निकल के आ जाएगी, 70 डिग्री। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 70 डिग्री। ठीक है, अब चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है आपका, वैसे करेंगे हम लोग ना, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू कितना होता है 180 का। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया है। तो एंगल P आपका देखिए ये साइन दिया गया, इसका मतलब ये 90 का होगा आपका। एंगल Q आपका 30 का है, तो एंगल R आपको निकालना है, इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 120 हो जाएगा, प्लस R इक्वल टू 180, तो ये आपका इस तरफ जाएगा, तो एंगल R बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस 120, तो एंगल R इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का। एंगल आर आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, एंगल एक्स एंगल वाई और एंगल जेड। ठीक है, इनका सम होगा 180 का, वही आपका रहेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो एंगल एक्स आपका है 30, एंगल वाई आपका है 110 और एंगल जेड है आपका, निकालना है आपको, ठीक है, तो 180। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 140 आपका हो जाएगा, प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180, तो एंगल जेड आपका ये इस तरफ आपका चला जाएगा 140। अगर 140 पॉजिटिव का इस तरफ आपका नेगेटिव में आ जाएगा, तो एंगल जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 40 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पर ये 50 है, ये x है और ये x है, कुछ नहीं करना आपको, सभी को ऐड कर लेना है, एंगल x प्लस एंगल x प्लस 50 इक्वल टू 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी वाला। ठीक है, तो x और x आपका हो जाएगा एंगल 2x प्लस 50 इक्वल टू 180, एंगल 2x 50 आपका इस तरफ जाएगा, तो 180 माइनस 50, एंगल 2x आपका आ जाएगा कितना, 130। ठीक है, तो एंगल x वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 2 आपका इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो आपका आ जाएगा 2 6 12, 2 5 10, 65 आपका आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, चलिए इधर ही सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो तीनों आपके एंगल x x हैं, x प्लस एंगल x प्लस एंगल x मीन्स आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनका सम कितना हो जाएगा 180, तो ये आपको हो जाएगा 3x, एंगल 3x हो जाएगा इक्वल टू 180, और यहाँ पर एंगल x इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन 3 6 जा 80, तो सभी का सम जो होगा 180 होगा, और सभी एंगल आपके 60 डिग्री के होंगे, मीन्स ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट क्या है, सिक्स्थ पार्ट है आपका,
देखिए ये आपका 90 का हुआ, ये 2x है और ये x है, यहाँ पर करेंगे 90 प्लस एंगल x प्लस एंगल 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 का, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो 90 2x और एक x आपका कितना हो जाएगा एंगल 3x इज इक्वल टू 180, 90 इस तरफ जाएगा तो एंगल 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, तो एंगल 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 में से 90 जाएगा तो आपका 90 बचेगा, और एंगल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 अपॉन 3, इसको करेंगे कैंसिल आउट, 3 या 9 तो आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। एंगल x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 30 आ जाएगा। देखिए ये x है तो x का तो 30 आ गया, लेकिन ये आपका 2x है तो 2x मतलब क्या हुआ 2 इंटू x, और x की वैल्यू कितनी है आपकी 30 है, तो ये आपका बन जाएगा कितना 60, तो आपका ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट।